सब्र सीख लें, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है कि आप कब इन हालात से गुजरे हैं। यकीन करें, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात किसी परेशानी का आना आपको बहुत सी परेशानियों से बचाने के लिए होता है। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ज़िंदगी की किताब के सब और आग हमारे मुताबिक नहीं होते। अगर कोई ऐसा वर्क सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हों, तो सब्र कर लेना चाहिए। दुख में कभी पछतावे के आंसू मत बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। जिस मुकाम पर आकर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, उसी मुकाम से सब्र शुरू होता है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ आता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाते हैं। सब्र, खामोशी और लातालुकी बेहतरीन इंतकाम है। सब्र वक्त मांगता है और वक्त सब्र मांगता है। जब तुझ पर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जो तेरे बस से बाहर हो, तो सब्र कर और अल्लाह की तरफ से खुशहादगी का इंतज़ार कर।